गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर व्लॉग चैनल आशीष स्मिता व्लॉग। और तनिषा स्कूल चले गई है और हम लोगों का आज ब्रेकफास्ट किए। आप चाहिए सबको, हे भगवान हे भगवान, ये इंसान पहले खुद खाएंगे तब तक जरूर खिलाएंगे। मुंह जाने वाला बोल रही है कि खिलाइए सबको। मैं पहले ही बोली थी, तो ये फर्स्ट बाइट आप लोगों के लिए। तो ये देखिए दोनों के पेट में कितना डिफरेंस है। ये वाला ना ऊपरी मन से बोलती है कि मतलब चलिए जिम चलते हैं पतले होने के लिए। आप ये देखिए ना, अगर जान मुझके अगर दिया जाएगा मुझे ज्यादा खाना कोटेक्स है बा। साधु क्या है? हाँ तो क्या बोल रहे थे? अगर जान मुझके मुझे अगर ज्यादा खाना दिया जाएगा और उसके बाद कोई बोले कि बहुत मोटे हो रहे हैं, शरीर पे ध्यान दीजिए। मैं जब पोहा निकाली ना तो मुझे अंजार मतलब होता है ना वो नहीं मिला, मुझे यार कम है। और मैं आज देखा जालिम का वो थाली भर के पोहा है, ये मेरा है। इनका ना ये वाला नमकीन जो है ना ये फेवरेट है। क्या क्या कहते हैं इसको, फाफड़ा? जब लिए नहीं तो मैं थाली से उठा खा रहे हैं। एक बस खा लिया, हमको इतना पसंद नहीं है। पसंद नहीं है लेकिन खाना जरूरी है, एक ही खाए ना। तो तनिषा सुबह सुबह स्कूल गई है, वो तो लेके गई है पनीर की सब्जी रोटी। मैंने रात में ही सब्जी बहुत सारा बच गया था तो रात में ही फ्रिज में रख दी थी सब्जी को, बाहर आता तो खराब हो जाता। और उसके जाने के समय मैं निकाली हूँ, गर्म की हूँ, फिर उसे दी हूँ क्योंकि पनीर उसका मतलब पसंद है बहुत ज़्यादा, तो वो खा लेगी लच अच्छे से, वरना कुछ और दो तो नाखा करती है। और सब्जी अभी बचा हुआ था कि हम लोग सोचे कि आज पोहा खा लेते हैं, क्योंकि ये पोहा ना नहीं खा पाते हैं, या तो छुट्टी वाले दिन ही खा पाते हैं वरना नहीं, क्योंकि ये ऑफिस ले जाते हैं तो फिर कुछ लंच हैवी लंच ही बनता है, ब्रेकफास्ट छुट्टी वाले दिन ही पोहा बनता है हमारे यहाँ। आज हम दोपहर में खाएंगे क्या खाएंगे? क्या बोले अभी आप? स्पेशल स्पेशल क्या? हमेशा तो मैं स्पेशल ही बनाती रहती हूँ। स्पेशल मूव? हाँ स्पेशल मूव मेरा दिखेगा आपको आज। रेस्टोरेंट्स के मेन्यू में कोई पढ़ा है आपने? पनीर बटर मसाला, पनीर कढ़ाई, कहाँ लिखा है? जो है उसका मुँह है बटर मुँह, कढ़ाई मुँह। अच्छा चलिए खाइए, मैं खा नहीं पा रही हूँ, मैं बात अपनी हूँ। तो हम लोग पोहा एंजॉय करते हैं, आप लोग ब्लॉग एंजॉय कीजिए। गाइस अब ये जो है मेरे से अब जो है अलग हो रही है। अलग हो रही है ना? अलग तो बहुत पहले ही हो चुकी है। अब अपना नया अकाउंट खुलवाने जा रही है ICICI बैंक में। भाई ये अपना खाता खुलवाने बोल रही है, अब मेरा सारा पैसा मेरे पास रहेगा। हाँ बहुत मेरा कुछ सेविंग हो नहीं पाता है इंजॉय। एक ही अकाउंट में सारा पैसा आता है तो अब मैं जो गरीबों की जिंदगी हो रही है, पैसा उड़ाएगी है ना, उड़ाने वाला काम नहीं करती है। अच्छा चलिए जाते हैं बैंक के अंदर। तो गाइज़ हम लोग अभी वहाँ पे ICICI बैंक गए थे, बट वहाँ पे वो कह रहे थे कि मिनिमम बैलेंस जो है ना 50,000 चाहिए उनको। गरीब लोगों को देख करके इन लोगों का ना मुंह खुल जाता है बहुत बड़ा। लास्टली हमने अपना HDFC बैंक में खुलवाया है और यहाँ पे 10,000 के मिनिमम बैलेंस में खुल चुका है अकाउंट। इसका देख रहे चेहरे पे तुम, बिल्कुल अलग ही बिल्कुल एटीट्यूड है। अकाउंट खुल चुका है, अजीब हाल है। अकाउंट खुल गया तो क्या प्रॉब्लम है? नहीं पता। हाँ तो अब जो है सारा पैसा अब इसके अकेले खाते में आएगा। ये सोचिए मतलब पहले से अकाउंट खुला हुआ था इसके नाम पे, लेकिन उस अकाउंट को मैं भी मतलब क्या कहते हैं उसको, मैं भी उसको ये करता था, यूज़ करता था। इसने पर्सनल अपना खुलवा लिया क्या? वो किसी के साथ साथ मेरा पर्सनल ही था। ये था कि उसमें ना ये बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन करते थे इसलिए मैं अलग खुलवाई। यानी अब सीधी बात ये है कि अब जो HDFC में चला गया सो चला गया, भूल जाओ उसको। हाँ पकड़िए उसको, बंद कीजिए उसको। ये देखिए गर्मी की सताई, गर्मी की सताई हम लोग पी रहे हैं। अभी लस्सी, ठंडी लस्सी, लस्सी ठंडी लस्सी पी रहे हैं लोग, ये डिनर करना जरूरी है। लस्सी मतलब क्या है, क्या है हम लस्सी से बात बताएं? वो भी 8-9 बजे तक चलता है।
क्या लस्सी में क्या पसंद नहीं है आपको? क्या पसंद नहीं है आपको लस्सी में? दूध अफजा बनाइए। कितना अच्छा, मतलब बताइए, वीडियो बना रहे हैं इसको, अपना रील बना रहे हैं, परेशान आता है, दुखी आता है। ठीक है, बढ़िया। के पास भी करके। ये देखना चेरी, चेरी अपना दिखा रही है होमवर्क। तो आज चेरी को कौन लेकर आया बेटा? आप लेकर आए हो? मैं लेकर आई हूँ। अच्छा, तो ये देखिए अभी मिला है। आज मुझे घास से गमला वाला करवाया। घास से घर? ये तो मैम ने मुझे पहले कल करवाया था, आज ये वाला करवाना है। गौ से गमला, घर से घर। घास से घर। पेंसिल तो मेरे बैग में ही नहीं है। नहीं है पहले दे। अच्छा ताले से बंद करो और सब कुछ खा लो। हे राजा छूटा था पसीना, गर्मी लागत था। गर्मी लागत था। हाँ एसी जो चलो था पैसा ना लगा था का? है सबसे महंगा बिजली उत्तर प्रदेश का है, पता है आपको, पूरे इंडिया में। और उसमें आपको एसी का हवा खिला रहे हैं। अब आपकी बीवी को सोचिए, इस एसी का हवा में गर्मी लग रहा है। अब वो तो खैर, वो तो क्या कहते हैं उसको, क्या बोला जाता है उसको, डिफेक्टिव मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्टिव। ज्यादा बताइए। हाँ अच्छा लिखो, घर से घर बोल कर लिखो। तो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है तो उसमें क्या कर सकते हैं? तो मैं लाई नहीं हूँ, तो इसमें कलर करने का कुछ है ही नहीं। अच्छा मैं दूंगी, पहले आप करो, लिखो पहले, सारा लिख लो। बना दीजिए इसके लिए। बना रही हूँ, जा रही हूँ इसके लिए। अभी इसकी तनिषा दीदी आएगी कितने बजे? 2:15 बजे, अभी से ठीक 1 घंटे बाद। मैं मतलब नीचे खड़े खड़े कितने देर से खड़ी हूँ, 1/2 घंटे से, तब बताया है। मतलब बच्चे को लेके इतना ज़्यादा टेंशन होने लगता है। बैंक गए, वहाँ से फिर मैं घर नहीं आई। मैं सोची कि क्या सोची, फ्रंट कैमरा करके कीजिए ना। तो बैंक गए थे, बैंक से फिर मैं सोची कि अब तो रास्ते में ही, मतलब अब तो बस आएगा ही, तो इसलिए मैं घर नहीं आई और लेने के चले गई इसे। मतलब 1:35 में बस आई, अरे 12:40 में बताई थी पौने 1 बजे, लेकिन आई है 1:10 के आसपास। बाहर गर्मी इतनी तेज, बाहर गर्म हवा चल रही है, धूप। फोन आ रहा है मेरे पास, पकड़िए तो इसको। किसका? वही बैंक का है। किसका? फ्रॉड। फ्रॉड। फ्रॉड को फ्रॉड पे कॉल आ रहा है। आज पार्टी दीजिए ना, आज आपका बैंक अकाउंट खुल गया। कौन किसका बैंक में अकाउंट खुलता है, पार्टी देता है? मैं देता हूँ। कब दिए हैं हमको? हमेशा देते हैं, अभी दिए आपको, लस्सी पिलाए आपको। अरे फोन हम चार्ज ला रहे हैं, चार्ज हो रहा है। लस्सी पिलाया है तो क्या, 20 रुपए का लस्सी पिला दिए हैं यार। तो पार्टी का मतलब ये थोड़ी है, मतलब पूरा पैसा उड़ा दो। पार्टी का मतलब होता है कि जो आपको सही लगे वो आप खिला दिए। अब आपको लस्सी तो हम तो हमेशा भेजे हुआ, तभी तो बोले कि हम तो हमेशा पार्टी देते हैं। हम बोले हम तो हमेशा खिलाते ही रहते हैं, आपका बताया। बच्चा है ना, जो है स्कूल से आकर के पढ़ाई करने लगा, ये जो है बैठ करके नौटंकी कर रही है। चले इसको कुछ खिला दे। पर बैंक से अकाउंट खोल के निकले हैं नहीं कि धूप में खड़ा होकर रील बना रही है। ये राजा छूटा था पसीना, तो जब पसीना छूट रहा है तो घर धुलो जल्दी, धूप में खड़े होकर के बाप रे बाप रील बना रही है। बनवाने दी है, चार बार रील बनाई है। ये नहीं, एक बार भी नहीं बनाया है, नेटवर्क ही नहीं पकड़ रहा था। हम लोग तो ये बनाते हैं, राजा छूटा था पसीना गर्मी लगता। ये बनाने ही नहीं दी है, आज मौका भी था, धूप में खड़े भी थे और ये भी साथ में गए थे, तो बना ले। लेकिन इस इंसान से मैं कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकती। वो तो है। मैं जो है
चलिए आज है तो पहले कपड़े सब चपेती है। गेट लॉस्ट कपड़े चपेती है ना जी सब, कितना कपड़ा धो धो के हम रखे हैं। गेट लॉस्ट हाय फ्रेंड्स, तो अभी ना हस्बैंड सो रहे हैं, देखिए आपको मैं दिखाती हूँ, पूरा खराटा लिए जा रही हूँ। पूरी गहरी नींद में है और अभी अभी जस्ट मैं काटी हूँ तरबूज, ये देखिए। तो इसमें नमक में डालती हूँ, काला नमक, लेकिन मैं सोच रही हूँ ना कि इनके ऊपर मैं एक छोटा सा पैन करूँ, और मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना इस तरबूज में कुछ मैं ऐसा डालूँ जिससे इनका एकदम नींद उड़ जाए। वैसे नींद तो उड़ेगा ही, लेकिन एकदम मिजाज जो है एकदम गर्म हो जाए। तो चलिए चलते हैं। तो ये है लाल मिर्च, सारे तरबूज के पीसेस मैं नहीं डाल रही हूँ, एक ऐसा पीस मैं उठाती हूँ छोटा सा जिसमें मैं डालूँगी और उसे मैं कोशिश करूँगी कि यही खाए, वरना फिर हो जाएगा मेरा टाइफस। ये देखिए ये वाला जो पीस है ना, बड़े हरामी हो बेटा। उसमें मैं डाली हूँ, अब चलते हैं उनको जगा के तरबूज खिलाती हूँ, आज का बहुत मजा आएगा। खराटा ले लेकर सो रहे हैं, अब लकड़ियाँ उठाते हैं। ये वाला पीस था, इसे मैं इधर कर देती हूँ। यार ये जोर में लगा, बहुत धीरे से लगा, आपको तीखा नहीं लगा क्या? तीखा नहीं लगा? और मिर्ची डालना चाहिए था क्या? कम था, कम था, कम था, कम था। ये सब कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि मैं डाली थी ज्यादा, एक ही पीस में था नहीं है थी। खाइए, एक ही में था, प्रैंक कर रहे थे, लेकिन कुछ ऐसा रिस्पॉन्स नहीं मिला। मुझे लग रहा है तरबूज कुछ ज्यादा ही मीठा था, इसे पता नहीं चला क्या?
नहीं समझ में आया, तीखा लगा, तीखा था नहीं, प्रैंक फेल। लेकिन खाया तो ये, लेकिन वो तीखा ही नहीं लगा। आज मैं सब्जी बनाई थी, बोल रहा है हल्का सा तीखा हुआ, पूरे पानी पी जा रही, पानी पी, कितना तीखा लग रहा। और मैं अभी लाल मिर्च पर डाली तो तीखा ही नहीं लगा। नहीं लेकिन खुला ना जी, हाँ नींद खुल गया ना तगड़ा से। फिर खाइए खाइए, टी शर्ट में भी लग गया रेड रेड मिर्ची का जूस। चलिए हम लोग तरबूज एंजॉय करते हैं, इनको कुछ झटका लगा ही नहीं जैसा मैं सोच रही थी। अब इनको खिलाती हूँ। अब देख देख के खाएंगे।